तो क्या हाल है आप लोगों का। 1 अप्रैल 2018 में हमें कई सारी कंपनीज ने अप्रैल फूल बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी ने हमें किस तरीके से अप्रैल फूल बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं OnePlus की। OnePlus ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी यानी PeiCoin को इंट्रोड्यूस किया। वैसे ये केवल एक अप्रैल फूल जो कि ऐसी कोई रियल में करेंसी है ही नहीं। OnePlus ने बोला था कि ये जो कॉइन है केवल OnePlus के यूजर्स के लिए, यानी कि ऐसा बिटकॉइन जिसे केवल OnePlus के यूजर्स ही यूज कर सकते हैं और जो अपने फोन यूज करते हैं उनके ऑक्सीजन वैसे में अपडेट आए जिसके थ्रू वो अपने फोन के अंदर ही इन्हें माइन कर पाएंगे। ये काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग प्रैक है 2018 को देखते हुए। जैसे OnePlus का बिटकॉइन था वैसे भी ओयो रूम्स ने भी अपना खुद का एक स्मार्ट कॉइन इंट्रोड्यूस किया। वेल ये भी एक प्रैंक है यानी कि अप्रैल फूल जो कि ऐसा कोई कॉइन नहीं है। और जो ओयो रूम्स ने अपना खुद का स्मार्ट कॉइन बताया है उसमें वो तो ये भी बोला था कि जब भी आप किसी नए होटल में जाएंगे और इस स्मार्ट कॉइन से पेमेंट करेंगे, यानी कि ओयो की ऐप में अगर इस स्मार्ट कॉइन को यूज करते हैं तो आपको कई सारे डिस्काउंट दिए जाएंगे, आपको कई सारे बेनिफिट्स और ऑफर्स भी दिए जाएंगे। वेल ये भी OnePlus के कॉइन की तरह ये भी एक अप्रैल फूल जोक है। अगली चीज है ओला का खुद का न्यूज नेटवर्क। जैसे कि फेक न्यूज आजकल काफी बढ़ रही है तो इस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए ओला ने अपना न्यूज नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया है। वैसे असली में ऐसा कोई नहीं है, केवल एक अप्रैल फूल जोक है। इसमें यह होता है कि ओला के जितने भी ड्राइवर्स है वो हर जगह घूमते रहते हैं, तो यदि उन्हें कोई इंटरेस्टिंग चीज दिख गई किसी भी चौराहे पे तो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके इस न्यूज नेटवर्क पे अपलोड कर देंगे जिससे दुनिया भर के मीडिया या फिर आप लोग उसे इजिली देख पाएंगे। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये केवल एक जोक है, प्रैंक है, ऐसी असली में कोई भी चीज नहीं होने वाली। अगर ऐसा असली में हो जाता तो फिर न्यूज चैनल्स का क्या होता। अगली चीज है गूगल श्राइन। ये कुछ नहीं, बस ये गूगल की मूर्ति है जिसकी आप प्रेयर करोगे यानी आरती उतारोगे रोज सुबह और शाम को, तो आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो गूगल सर्च में ऊपर रैंक करेगी। यानी आपने कुछ भी सर्च किया तो सबसे पहला जो लिंक आएगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। वेल ये भी एक अप्रैल फूल जोक है क्योंकि गूगल हर साल 1 अप्रैल को कई सारे नए नए जोक करता रहता है। अगली चीज है टंग प्रिंट। जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है, आयरिस स्कैनिंग होती है, जैसे फेस अनलॉक होता है, वैसे भी टंग प्रिंट स्कैनिंग आई है। इसका मतलब यह है कि एक एंड्रॉइड में एक ऐप होगी जिसे आप डाउनलोड करेंगे और वो ऐप आपकी जीप को स्कैन कर लेगी और आपका फोन अनलॉक कर लेगी। सुनने में काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है, लेकिन ये कंसेप्ट पूरी तरीके से फेक है क्योंकि ये भी केवल एक अप्रैल फूल जोक ही है। अगली चीज है सेंसिबल वॉलपेपर। वेल ये एक स्पेशल वॉलपेपर होगा जो एक स्पेशल ऐप डाउनलोड करनी होगी और जब भी आप जिसकी भी वॉलपेपर डालोगे तो आपके फोन में से उसी चीज की खुशबू निकलेगी। अब आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि जैसे गुलाब के फूल का वॉलपेपर आपने डाला तो उस वॉलपेपर में से यानी आपके फोन में से उसी गुलाब की खुशबू निकलेगी, और ये इस काम करेगी सिर्फ एक सिंगल ऐप। वेल ये भी केवल एक अप्रैल फूल जोक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अगली चीज है टी मोबाइल का साइड किक। ये दुनिया का पहला स्मार्ट शू फोन है, यानी कि एक स्मार्टफोन आपके जूते के अंदर, यानी कि जिस तरीके से अपने जूते से इंटरेक्ट करेंगे आप, मतलब कॉल्स का रिप्लाई, व्हाट्सएप मैसेजेस, सारे काम अपने जूते से कर पाएंगे। वेल सुनने में काफी अजीब लगता है और है भी काफी अजीब क्योंकि बिल्कुल सच्चाई नहीं है और ये केवल एक अप्रैल फूल जोक है। और हाँ दोस्तों, ये जितनी भी चीजें बताई ये सारी की चीजें 2018 में 1 अप्रैल को इन बड़ी टेक कंपनीज ने हमें केवल उल्लू बनाने के लिए की है, ऐसी असली में कोई भी चीज नहीं है। तो अगर आप इन चीजों को इंटरनेट पे या फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हो तो आप समझ जाना कि ये केवल एक अप्रैल फूल जोक है और हर साल 1 अप्रैल को बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरीके की अप्रैल फूल जोक्स करती रहती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट वाले वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय।